हाय एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टैगर ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बोया के माइक की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो मैंने ऑर्डर किए हैं। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर बोया के 2 माइक्स हैं जो मैंने ऑर्डर किए हैं। एक तो मैंने खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए बुलवाया है और एक मैंने अपने फ्रेंड के लिए बुलवाया है, वो स्कूल में टीचिंग करता है, तो वासल कॉन्वेंट स्कूल बरेली में, वहाँ पर ये माइक की ज़रूरत थी तो इसलिए उन्होंने भी ऑर्डर किया है। तो ये जो बॉक्स है इसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो बोया के माइक के बारे में आपको बताऊँगा और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कम रेंज का अगर आपको माइक चाहिए तो वो भी मैंने ऑर्डर किए हुए 2 अलग से 2 माइक्स वो भी मैंने बुलवाए हैं, तो इनके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि यदि आप एक यूट्यूबर हैं और आप किसी भी तरह की वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो आपकी टीचिंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों आप जानते होंगे कि आपकी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। यदि आपकी वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं भी है तो ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो आपकी जो चैनल है वो ग्रो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो पर व्यूज़ आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इसमें अंदर 2 माइक्स है, तो मैं इसको सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ। साथ फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ है क्योंकि कंपनी जो है वो अपने कस्टमर का भरोसा जीतने के लिए आजकल अच्छी सर्विस दे रही है सारी चीज़ें, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, कुछ भी। तो आप देख सकते हैं ये जो माइक है, ये 2 माइक मैंने ऑर्डर किए थे और दोनों माइक बिल्कुल ठीक ठीक आ गए। अब इसको भी मैं ओपन करके आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसके अंदर जो माइक है उसका यूज़ कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो चलिए, इसको हम यहाँ पर साइड में रख लेते हैं और यहाँ से हम एक माइक को ओपन करके रख लेते हैं। तो आप देख लीजिए BYM1, तो ये बोया का माइक है और मैं आपको बता दूं, यूट्यूबर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है ऑडियो क्वालिटी के लिए, क्योंकि आपकी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी अच्छी के लिए दोस्तों आपको बोया का माइक एक बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। तो इसका मैं दोस्तों हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और ये जो मैंने अपने फ्रेंड के लिए ऑर्डर किया था इसको मैं ऐसे ही यहाँ पर रख देता हूँ, और ये वाला जो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बुलवाया ऑर्डर किया हुआ है तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो माइक है ये कितना अच्छा कवर में यहाँ पर इसको दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बोया, मतलब यहाँ पे ये बोया लिखा हुआ है क्लियर, और इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो इसमें जो है हमारा माइक, तो दोस्तों ये रहा बोया का माइक। तो आप देख सकते हैं ये जो माइक है इसमें जो केबल दी गई है ये 20 फिट, मतलब काफ़ी दूर तक आप अपने मोबाइल को रखकर वीडियो बना सकते हैं। तो ये 20 फिट है, तो अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो केबल दी गई है बहुत ही ज़्यादा इसकी जो लेंथ है 20 फिट की है, जिससे कि आप दूर भी अपने मोबाइल को रखकर आप वीडियो जूमिंग करके बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। अब मैं आपको बता दूँ इसके अंदर क्या है। देखिए यहाँ पर ये बोया लिखा हुआ है, इसमें आप नोटिस कीजिए यहाँ पर ऊपर लिखा है कैमरा और नीचे लिखा हुआ है स्मार्टफोन। तो देखिए, यदि आप कैमरा से वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको ये जो स्विच आपको नज़र आ रहा है इसको आपको ऊपर कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये आप कैमरा यूज कर रहे हैं तो कैमरा से वीडियो बना रहे हैं तो आपको इसको स्विच करना पड़ेगा। यदि आप किसी भी स्मार्टफोन से वीडियो बना रहे हैं तो आपको इस स्विच को नीचे डाउन करना होगा। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसको आप ओपन करके देखिए तो इसके अंदर यहां पे सेल डलते हैं। तो आप मैं आपको मैं बता दूं यहां पे इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। तो यहां पे ये देखिए, तो यहां पे इसके अंदर सेल डलता है, तो आप इसको भी आप ओपन करके देख सकते हैं। तो यहां पे ये सेल लगा हुआ है। चलिए मैं इसको यहां से ऑफ कर देता हूं, क्लोज करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रहा हमारा माइक। अब मैं आपको बता दूं एक और चीज़ ये इस माइक के अंदर आई है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ओपन करके मैं आपको बता देता हूं कि ये एक और चीज़ जो माइक है इसके अंदर है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये रहे कुछ इसके टूल्स जो कि आपको माइक के साथ मिलेंगे। जी हाँ, ये देख सकते हैं, ये इसमें सेट करना है जो मैं आपको सेल के बारे में बता रहा था। ये सेल है एक्स्ट्रा यहाँ से, और ये इसका क्लिप है, और ये रही इसकी लीड। तो इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे, आपको सेट करना है तो इसको आप यूं करके सेट करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो आपकी ऑडियो है वो आपकी पूरी फिल्टर हो जाएगी। देखिए यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं और जिससे कि आपकी जो ऑडियो है वो भी आपकी फ़िल्टर हो जाएगी। तो इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम बोया के माइक को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ कि ये जो बोया का माइक होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, और बिना क्वालिटी के या बिना किसी माइक के हम ऑडियो या कोई वीडियो शूट करते हैं तो आपकी आवाज़ में क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो आपको बता दूँ। तो नहीं आ रही होगी, रीजन ये है कि अब मैंने माइक को रिमूव कर दिया है, बिना माइक के मैं यहाँ पर अब बोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप जान चुके होंगे कि ये जो बोया माइक है इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है, एक यूट्यूबर के लिए कितना यूजफुल ये माइक हो सकता है, कम रेट पे आपको मिल सकता है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आउटडोर पर आ गया हूँ, यहाँ पर भी जो बोया माइक की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल क्लियर है, हवा चल रही है। लेकिन तो यही कुछ क्वालिटी होती है बोया माइक की। तो जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप माइक परचेस करने का कुछ प्लान कर रहे हैं तो बोया माइक आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा जिसको आप इजीली तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी करेंट में प्रेजेंट में इसका जो रेट चल रहा है वो 750 रुपये रेट है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। आप इसको अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी आप ऑर्डर करके इसको ऑनलाइन अपने एड्रेस पर, अपने घर पर आप इसको बुला सकते हैं। तो 750 रुपये में आपको अगर इतने बेहतरीन क्वालिटी का अगर कोई माइक मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यदि आपके पास ऑलरेडी बोया माइक है या बोया माइक परचेस करने के लिए आप प्लान कर रहे हैं, आप ऑर्डर करने वाले हैं, और अगर बाई चांस आपका बोया माइक काम नहीं कर रहा है या फिर आपने ऑर्डर कर दिया है, माइक आ गया है और आपको प्रॉब्लम जा रही है इसको कनेक्ट करने में, तो मैं आपको बताऊं ये जो बोया माइक है इसको कनेक्ट करने के लिए आपको यूज करना होगा ओपन कैमरा का। हाँ दोस्तों याद रखिएगा ये ओपन कैमरा में ही वर्क करता है। तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगी जिसका नेम है ओपन कैमरा। तो ओपन कैमरा को आप सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ओपन कैमरा के अंदर आप वीडियो शूट करेंगे, बोया माइक का यूज करेंगे तो आपका माइक बराबर काम करेगा, ठीक है। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं जो सेकंड मैंने आपको बताया था जो कि चीपली ही प्राइस में बहुत ही कम रेट पे ये जो मैंने माइक ऑर्डर किए हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो माइक हैं इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। यदि आप 750 मतलब कि 750 रुपये अगर आपको ज़्यादा लगते हैं तो उसके लिए फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप कम रेट के माइक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें भी ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं हो, कम रेट का ज़रूर है लेकिन ये भी आपको अच्छी खासी क्वालिटी दे देगा। यदि आप स्टार्टिंग में एक यूट्यूबर है और ज़्यादा आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, आपकी अर्निंग अभी स्टार्टिंग में कम है या फिर स्टार्ट नहीं हुई है, तो दोस्तों आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको सिंपली एक सस्ता सा माइक बुला लेना है क्योंकि अभी आप इन्वेस्ट पैसा नहीं कर सकते इतना ज़्यादा क्योंकि यूट्यूब पर आपकी अर्निंग नहीं है। तो उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है तो इसके बारे में मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये कुछ माइक है, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कितना अच्छे तरीके से इसकी पैकिंग की गई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट इसको पैक किया गया है, तो इसको सिंपली हमें यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो फटाफट इसको अपन ओपन कर लेते हैं और इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ रहा माइक, इसको भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। तो ये हमारा कम रेट का है, तो यदि आप सस्ता वाला माइक खरीदना चाहते हैं तो इसकी केबल भी आप देख सकते हैं ये 5-7 फिट की होगी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन बोया की 20 फिट की होती है, तो ये बहुत छोटी केबल है और इसमें पूरा यहाँ पे सेटअप है, अलग से आपको इसको सेट वगैरह कुछ नहीं करना है, फिल्टर वगैरह सब कुछ है। तो दोस्तों ये माइक आपको बहुत कम रेट पर मिल जाएगा, ये मार्केट में कहीं से भी आप ऑनलाइन भी बुला सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा चीपली सस्ता वाला माइक, इसके प्राइस के बारे में आपको बता दूँ कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ये ओनली 140 रुपये का आपको मिल जाएगा और ऑफर में मैंने अभी आप इसको बुलवाया हुआ है तो मुझे थोड़ा और कम रेट में मिल गया है। तो आप इसको मार्केट में परचेस करते हैं या ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर करते हैं तो ये आपको 140-140 के आसपास मिल जाएगा। मोब स्काई करके इस कंपनी का नेम है, तो ये मोबाइल में भी कनेक्ट होता है और बराबर ये काम करता है। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो इसी माइक से है, ये सस्ता वाला जो चीपले माइक है इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं हम दूर करके भी इसमें अगर हम बोलते हैं तो ये कैच करता है, बराबर काम करता है, तो इस तरह से इस माइक को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी और आपको आइडिया मिला होगा कौन सा माइक परचेस करना चाहिए, कौन सा माइक आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में एक चीज़ और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी मैंने आपको अपने फ्रेंड के बारे में बताया था जिसका नाम है फरहान, तो वो फरहान जो मेरा फ्रेंड है उसका भी एक चैनल चल रहा है वासन कॉन्वेंट स्कूल बरेली के नाम से, जिसकी मैंने लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ जाकर आप उसको भी ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको क्वालिटी ऑफ वीडियो मिलेंगी। तो दोस्तों देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।